का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय मींद्री तहसील में मौजूद है, जहां पर किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, किस लिए यहां पर पहुंचे हैं? बताया जा रहा है कि जो जमीन सरकार अपने कब्जे में लेना चाहती है, जिन पर कई वर्षों से किसान खेती कर रहे थे, उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसी कड़ी में आज यहां पर काफ़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। इंद्री तहसील में मौजूद है, जहाँ पर इंद्री हल्के के किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम है, वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। इस समय तहसील के बाहर खड़े हैं और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसी कड़ी में आज यहां पर किसान पहुंचे हैं। जमीन को लेकर के जिस तरह से पंचायती जमीनों को काफ़ी सालों से जो किसान बो रहे थे, उसी को लेकर के आज यहां पर पहुंचे हैं और ज्ञापन दिया जाएगा मुख्यमंत्री के नाम, जिसके चलते आज काफ़ी संख्या में इंद्री हल्के के किसान पहुंचे हैं और आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। इस समय यहां पर इंद्री तहसील में पहुंचे हैं और इस समय नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं जो किसान यहां पर ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, वो इस समय नारेबाजी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसान जो हैं सरकार के नियमों से और जो नीतियां बनाई गई हैं उनसे परेशान होकर के आज इस समय इंद्री तहसील में पहुंचे हैं और ज्ञापन देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में इस समय बने रह रहे हैं और देख सकते हैं जो किसान इस समय प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं और नारेबाजी तहसील के बाहर इस समय होती हुई नज़र आ रही है। क्या कुछ कार्यक्रम है, वो भी जानने का प्रयास किया जाएगा। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। देख सकते हैं किसान यहां पर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं और क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, किस लिए आज यहां पर इंद्री तहसील में पहुंचे हैं और किसके नाम ज्ञापन दिया जाएगा, उसी के चलते आज इंद्री तहसील में काफ़ी संख्या में इंद्री हल्के के गाँव के किसान पहुँचे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे मंजीत जी, आज यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कार्यक्रम है? देखिए, जो अंग्रेजों के राज से जो ज़मीनें थी, देश आमला तो मुस्तर का मालकान, जो पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर खेती करते आ रहे थे, इस सरकार ने उनको वापस पंचायतों के नाम और नगर निगमों के नाम करने का काम कर रही है और इनके इंतकाल तोड़कर पंचायतों के नाम कर दिया। ऐसा ही मामला पिछले कुछ दिनों में करनाल का आया है। 4 एकड़ एक किसान ने खरीदी थी, उसके नाम उसकी जमाबंदी, इंतकाल, रजिस्ट्री, गिरदावरी सब कुछ था और उसको नगर निगम के नाम करने का काम किया। तो भारतीय किसान यूनियन चुनौनी की तरफ से पिछले दिनों कुरुक्षेत्र जाट महा सब धर्मशाला में एक मीटिंग हुई थी, उसमें 25 अगस्त को सभी हरियाणा की सभी तहसीलों पर मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार साहब को ज्ञापन देंगे और आने वाली 25 अगस्त को कुरुक्षेत्र की धरती पर पीपड़ी अनाज मंडी में एक किसान महापंचायत बुलाकर और इसके खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत। क्या लगता है, किसानों की बातें क्यों नहीं सरकार मान रही है, इस तरह से परेशान किया जा रहा है, क्या लगता है, मनसा क्या है? देखिए, मनसा तो साफ नज़र है, चाहे डीजल के नाम पर हो, चाहे बीज के नाम पर हो, चाहे खाद के नाम पर हो, चाहे किसी भी नाम पर हो, किसान को दुखी कर दो भाई, ये अपने आप अपनी ज़मीन को छोड़ के भाग जाएंगे और ये सब जो ज़मीनों के ऊपर कब्जा सरकार को हो जाएगा। सरकार का क्या, पूंजीपतियों का, अडानी अंबानी का होगा? और यही एक उन 3 काले कानूनों में था, इनका साफ एक नीयत साफ है कि भाई इनसे किसानों से ज़मीनें जब्त करके और पूंजीपतियों को दी जाए। एक बात बताए जी, इंद्री तहसील में नायब तहसीलदार और तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति नहीं है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, आम जनता परेशान है, आप क्या लगता है कि इस तरह के जो प्रशासन के अधिकारी नहीं बैठते हैं यहाँ पर, क्या लगता है, क्या वजह है? देखिए, CM सिटी है करनाल और यहाँ नहीं, यहाँ की बहुत सी तहसीलें हैं। निसंग में भी पिछले दिनों एक मैटर उठाया था, वहाँ भी तहसीलदार मौके पर नहीं है और यहाँ आज पता चलिया भाई तहसीलदार भी नहीं, नायब तहसीलदार, स्थायी तौर पर किसी की नियुक्ति नहीं है। तो ये किसान का मुद्दा नहीं है, ये तो आम जन का है, छत्तीस बरादरी का है, हर आदमी को यहाँ पर अपनी कार्य कराने होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे यहाँ के अधिकारियों को कि यहाँ पर तहसीलदार और नायब तहसीलदार की स्थायी ड्यूटी लगाई जाए। अभी आप ज्ञापन किसको देंगे? ज्ञापन अभी आज सोमवार है, यहाँ पर मौके पर ना कोई तहसीलदार है, ना SDM है, जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको मैसेज दे दिया, कोई ना कोई अधिकारी आएगा और उनको मुख्यमंत्री के नाम। जो SDM के रीडर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और जो किसान यहाँ पर पहुँचे हैं वो ज्ञापन देते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें समय आपको इंद्री से हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर किसान अपनी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम सौंपते हुए नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें इंद्री से हैं, खबरों को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। कहेंगे जी, ये आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं किसान, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? इसका जी, जो किसानों की मांग है वो सरकार के नोटिस में लाई जाएगी और जो सरकार का निर्णय होगा उसी हिसाब से।
आपका नाम? शमशेर सिंह। ठीक, ज्ञापन देने के लिए पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला था वो भी जानने, अपनी समस्याओं को लेकर के इस समय नारेबाजी भी की गई और जिस तरह से इंद्री तहसील में तहसीलदार और नायब तहसीलदार की स्थायी नियुक्ति ना होने से किसानों में भारी रोष है, क्योंकि किसान और आम आदमी यहाँ पर आता है और किस तरह से उनको परेशान होकर बैरंग लौटना पड़ता है, उसी के चलते आज किसान इस बात को लेकर भी नाराज़ है। उन्होंने स्थायी तौर पर बोल दिया है कि अगर जब तक स्थायी नियुक्ति नहीं होगी तो अगला कदम जो है कठोर हो सकता है, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है जिसके चलते यहाँ पर किसानों को और आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं और किसान हैं, कास्तर उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी, आज किस पर्पज़ के लिए आप यहाँ तहसील में पहुँचे थे, क्या कारण? पर्पज़ तो सरकार का ऐसा होगा, अभी तो हम कुछ आदमी आए हैं, इसके बाद किसान आए हैं, इसके बाद व्यापारी भी आएंगे, क्योंकि इनका जो सरकार का मुद्दा है, पहले तो ये इनकी ज़मीनें खोसेंगे किसानों की, उसके बाद ये व्यापारियों को परेशान करेंगे। तो आज का मुद्दा जो था, इन्होंने जो 35-40 साल पहले रजिस्ट्री हो चुकी हैं लोगों के नाम, कोई देह शामलात वगैरह जो ज़मीन है जो सरकार ने यह लौट किया उसको वापिस बोल रहे हैं वापिस लेंगे, ऐसे कोई दे सकता है जी? जिनका रोज़गार उसी के ऊपर है, वो अगर अपनी ज़मीन उनको देने लगे तो वो कहाँ से खाएँगे? तो ये सरकार बेरोज़गारी की तरफ ही सारी जनता को धकेलना चाहती है, बस यही है भाई। सरकार या तो आराम से मान जे, वरना 25 अगस्त का टाइम जो हमारी यूनियन ने दिया है, या पूरी जितनी भी पंजाब है चाहे हरियाणा है, सभी किसान यूनियन इकट्ठा हो गए, जो भी इस पे कड़ा एक्शन लेगी उनके साथ सारी किसान साथ में चले। आज आप इंद्री तहसील में पहुंचे हैं, हमारी पिपली मंडी में बैठक हुई थी, उसमें एक निर्णय लिया गया था कि 25 जुलाई को सभी जिला मुख्यालय पर हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे, और उसमें शामलात मुस्तराम शामलात ज़मीन है जो सरकार ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना लेकर लोगों से छीनना चाहती है, इसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे, और अगर सरकार आराम से मानने की तो ठीक है, जो हमारी 25 अगस्त की मीटिंग आए कुरुक्षेत्र में, तो उसमें बहुत बड़ा फैसला लिया जाएगा और इसके खिलाफ आंदोलन की आगे तैयारी। किसानों की जो मांगे हैं वो सरकार क्यों नहीं मान रही है, क्या लगता है आपको? सरकार किसी न किसी रूप में हर रोज सरकार किसानों को परेशान करने की कोशिश कर रही है, नए नए कानून ला रही है, एक चीज़ से पीछा छूटते नहीं तो दूसरी चीज़ आगे ला के खड़ी कर देते हैं, ये रजिस्ट्रियाँ ये इंतकाल ये सब प्रशासन ने किया है, सरकार ने किया, किसी आम आदमी ने नहीं करे। तो जिस लोगों ने ज़मीन ने मूल्य रखी है, सरकार की स्टाम्प ड्यूटी भी भर रखी है, तो उनको वापस कोई दुख नहीं बनता। जब सारे प्रशासन ने पहले काम किया तो उन लोगों का क्या, उनके बारे में सोच विचार करना चाहिए। तो प्रशासन को उन्होंने आदेश दे दिया कि भी उनके इंतकाल रद्द किए जाए, अगर धक्का सही है, सरकार अपने ही बनाए हुए कानून को नहीं मानती तो फिर आम लोगों का काम थोड़ी है, तो सरकार को उसके बारे में सोचना चाहिए, कठोर से कठोर इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। जी सबसे पहले तो आपको और जनता का देख रहे हैं दर्शकों को मेरी प्यार भरी राम राम। आज हम इंद्री तहसील के अंदर आए, सरकार एक नया कानून कड़ा कानून लेके आई कोर्ट को माध्यम बना के, जिसमें देह श्यामलात और मुश्तरका ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती है सरकार, जिसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, और अपने सभी किसान साथियों से भी कहना चाहेंगे अपना एकता बना के रखे, अपने जुनून बना के रखे, किसी भी किसान का किसी भी गाँव की पंचायती ज़मीन का एक इंच भी सरकार के पास नहीं जाने देंगे, डट के मुकाबला करेंगे, सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भी एक बार सेंटर में मोदी को कोटा करें, एक बार और कोटा करेंगे, अपनी एकता को बना के रखें। अगला कदम क्या रहेगा किसान? देखिए आज हमने सिर्फ ज्ञापन दिया एक संदेश के तौर पे, और जल्द ही कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा सरकार के खिलाफ।